सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज नेहा। सो हेलो एवरी वन, मैं अब बना रही हूँ अपना बर्थडे सीरीज, जिसमें मैं फर्स्ट डेट से लेके मेरे बर्थडे के डेट तक हर दिन वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं गिव अवे अनाउंस करूंगी हर एक वीडियो में। सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, आप भी जीत सकते हैं गिव अवे। गिव अवे के रूल्स मैं मेंशन कर दूंगी आगे किधर भी वीडियो में, आप मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो एंड चेक द गिव अवे रूल। सारे रूल्स फॉलो करो एंड गेट अ चांस टू विन अ गिव अवे। उसकी जो अनाउंसमेंट है वो मेरे इंस्टा आईडी में मिलेगा, तो मेक श्योर यू फॉलो बोथ माय चैनल एंड माय इंस्टाग्राम हैंडल, दोनों ही यहाँ पे मेंशन है, आप दोनों को फॉलो करें, गेट अ चांस टू विन द गिव अवे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बैग्स जो मैंने परचेस की है। ये कोई एक प्लेटफॉर्म से परचेस नहीं किए है, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से परचेस किए, आई थिंक मोस्टली सारे अमेजोन से ही है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रेगुलर लाइफ में, चाहे वो स्लिंग बैग हो, चाहे वो क्लच हो, चाहे वो टोट बैग हो, बड़े बैग हो, छोटे बैग हो, सारे टाइप के बैग आपको नीडेड होते हैं आपके लाइफ में। ऑफ कोर्स मैं बड़े बैग ज्यादा प्रिफर करती हूँ क्योंकि लैपटॉप कैरी करना होता है, बट आई डोंट लाइक लैपटॉप बैग्स, तो इसीलिए मैं जिस टाइप के बैग यूज करती हूँ मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, बट उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के बैग्स यूज करते हैं हम लोग, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हैवन सेड दैट लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो सबसे पहले मेरा मैं स्टार्ट करती हूँ स्लिंग बैग से, जो सामने आया मैं वो बैग से स्टार्ट कर रही हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है कि ये मेरा सबसे फेवरेट है या वो मेरा सबसे फेवरेट है, जो सामने आया वो बैग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये स्लिंग बैग से स्टार्ट कर रही हूँ, ये ज़ूक का स्लिंग बैग है, इसको मैंने पहले भी अपने वीडियो में शेयर किया है, आपने काफी सारे पिक्चर्स भी देखे रहेंगे अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो, काफी सारे पिक्चर्स भी देखे रहेंगे जिसमें मैंने इसे यूज किया है, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट बैग है। अगर मुझे कहीं डे के लिए जाना है, लाइक एक टाइम के लिए जाना है, तब मेरा ये फेवरेट बैग है इन अ स्लिंग बैग, क्योंकि इसमें काफी स्पेशियस है, मतलब बहुत अच्छा स्पेस है, इसमें काफी सारी चीजें आ जाती है, अंदर एक चेन भी दिया गया है जिसके थ्रू आप काफी सारी चीजें इसके अंदर रख सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं अपनी चीजों को, एंड पीछे भी एक चेन दिया गया है, सो पीछे भी एक चेन दिया गया है, अच्छा खासा पॉकेट है, तो उसमें भी काफी चीजें रख सकते हैं। मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरी कीज वगैरह मैं इधर रखती हूँ ताकि वो मुझे मिले, जब मुझे चाहिए होता है तब मुझे मिल जाए, एंड इसमें भी काफी सारी चीजें आ जाती है, एंड लुक बहुत अच्छा देता है, बहुत अच्छा प्रिंट है, मुझे ये प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, एंड ब्राउन, ये वाला ब्राउन मेरा फेवरेट कलर है, तो या बहुत अच्छा लुक देता है, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये ज़ूक का बैग है, आप इसे ज़ूक की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, अमेजोन से भी ले सकते हैं, मैं लिंक्स जो भी रहेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी एज यूजुअल। तो या दिस इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट जो है ये एक लॉन्ग बैग है, बड़ा बैग है, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट ये ऑफिस बैग ज्यादा लगता है, एंड जहां पे फॉर्मल वेयर पहनते हैं या फॉर्मली आप कहीं जा रहे हैं तब इस टाइप के बैग आप यूज कर सकते हैं, काफी फॉर्मल वाला लुक दे रहा है ये, दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये कैप्रिसी का बैग है, बहुत ही अच्छा रिच ब्राउन कलर है, जो ऑफिस के लिए काफी अच्छा लगेगा, मतलब लाइक अगर आप ऑफिस गोइंग है तो काफी अच्छा लगेगा, वैसे भी आप कैरी कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। टू स्ट्रैंड्स वाली इसकी हैंडल है, अंदर ये एक बहुत बड़ा पॉकेट है, इसमें भी ये साइड भी पॉकेट है, ये साइड भी पॉकेट है, बीच में चेन दिया गया है, उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे दो पॉकेट्स दिए गए हैं, एंड यहाँ पे चेन दिया गया है, यहाँ पे चेन दिया गया है, एंड बैक साइड में भी एक चेन दिया गया है, सो यू कैन पुट एनीथिंग हियर। तो इसके साथ ये यहाँ पे एक स्ट्रैंड भी दिया गया था, लाइक जो आप कैरी कर सकते हैं स्लिंग की तरह, आई डोंट नो मैंने कहीं पर रखा है, मुझे मिल नहीं रहा है बिकॉज मैं वो यूज नहीं करती हूँ, बट क्योंकि ये ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा बैग है तो ये ऐसे ही ज्यादा बेटर लगता है, बहुत ही स्टेडी है, अच्छा मटेरियल है,
बहुत ही अच्छा मटेरियल है ये, मैंने रखा ऐसा है कि ये ऐसे मुड़ गया है, बट फिर भी देखो कितना अच्छे से स्टेडी है ये, बहुत अच्छा है। एंड यू कैन परचेज दिस इफ यू वॉन्ट समथिंग ऑफिस जैसा बैग, तो ये उसके लिए एकदम परफेक्ट है। कलर ब्राउन है तो ऑलमोस्ट सारे ही आउटफिट के साथ जाएगा, बहुत रिच लुक देता है। इसके साथ ब्राउन सैंडल्स वेयर करे, बहुत क्लासी लुक देगा। तो या दिस इज द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है ये बहुत ही रीजनेबल बैग, ये एक साइड बैग है इस तरीके का कुछ है, ये आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगा, अमेजोन और मीशो पे। मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया है एंड बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, लाइक यू लुक एट दिस, कितनी अच्छी क्वालिटी है। ये जस्ट 100 रुपीज का है, आई थिंक 110 या 120 का होगा, आई एम नॉट श्योर, बट 100 to 120 के बीच में इसकी रेंज है। बट ये किसी भी एंगल से 100 रुपए का बैग नहीं लगता है, बहुत अच्छा रिच बैग लगता है, लाइक लगता है कि लेदर का बैग है, लेकिन दिस इज फॉक्स लेदर। इसमें एक चेन मिलेगी आपको खाली, ये बीच में जो एक चेन है वो एक मिलेगी खाली, इसके आगे पीछे कोई चेन नहीं है, अंदर भी कोई चेन नहीं है, कोई पॉकेट नहीं है, बस सिंगल वन चेन है। बट लुक एट दिस, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है ये बैग। ब्लैक कलर है, ऑफकोर्स बहुत सारे आउटफिट्स के साथ जाएगा। आप बैग मोस्टली वैसे चूज करो जो बहुत सारे आउटफिट्स के साथ जाए, सिर्फ मेरे पास एक ही ऐसा बैग है जो बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ इट्स कलर, तो इसलिए आप कलर जब भी चूज करो तो बहुत सोच समझ के कलर चूज करना चाहिए कि वो बहुत सारे आउटफिट्स पे जाए, ऐसा ना हो कि लेके बस एक दो आउटफिट के लिए अच्छा लगे एंड देन उसके बाद आप उसे यूज ना कर पाए। तो या दिस इज द नेक्स्ट वन। देन नेक्स्ट जो है ये लेवी का बैग है, आई थिंक लेवी ही प्रोनाउंस करते हैं इस ब्रांड को, ये कुछ इस तरीके का बैग है, यही वो बैग है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस कलर मैं इसे ज्यादा यूज नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज ये जल्दी से हर अटायर पे मैच नहीं कर पाता, बट यस बिकॉज ऑफ इट्स पॉकेट्स मैं इसे यूज भी कर लेती हूँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं इसे यूज ही नहीं करती। तो ये कुछ इस तरीके का बैग है, इसके अंदर पॉकेट्स आप देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ी जिप है फर्स्ट थिंग, देन इसमें दो ऐसे ही सेम दिए गए हैं साइड बाय साइड, बीच में चेन दी गई है सो यू कैन पुट समथिंग ओवर हियर, ये इस साइड में इधर एक पॉकेट दिया गया है एंड इस साइड भी दो पॉकेट्स दिए गए हैं, जो लास्ट टू लास्ट बैग में मैंने शो किया था सेम वैसे ही दिया गया है, एंड पीछे भी एक पॉकेट दिया गया है। इसके साथ भी स्लिंग है लाइक दिस, ये भी मैं यूज नहीं करती इसलिए ऐसे का ऐसा पड़ा है, बट इसके साथ भी ये स्लिंग अटैच करने के लिए दिया गया है, तो यू कैन अटैच इट एंड होल्ड इट लाइक अ स्लिंग बैग, बट इतना बड़ा बैग मैं स्लिंग बैग की तरह नहीं होल्ड करती, आई डोंट नो लोग करते होंगे मे बी इसीलिए दिया है, बट ये भी दिया है इसके साथ ही। एंड जो ब्रांडिंग है वो पूरी अंदर अस्तर में भी दिया गया है, सो या यू कैन चेक इट आउट, ये काफी अच्छा है बैग एंड स्टेडी भी है। मैंने इसे कश्मीर में मैंने इसे कैरी किया था, जब मैं कश्मीर गई थी तब मैंने इसे ही कैरी किया था, बट ये वर्सिटाइल नहीं है, ये हर आउटफिट पे मैच नहीं करता, इसलिए मुझे बैग को साइड में रख के पिक्चर्स क्लिक करनी पड़ती थी क्योंकि ये इतना सब पे नहीं जाता, इसीलिए मैं इसे कम लेके जाती हूँ। हाँ अगर मैं दो दिन के लिए कहीं जा रही हूँ या मम्मी के घर वगैरह जा रही हूँ तब मैं इसे जरूर लेती हूँ, ताकि इसमें काफी सारी सामान आ जाते हैं, काफी स्पेशियस है। तो या दिस इज द नेक्स्ट वन। अब आते हैं मेरा ऑल टाइम फेवरेट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला बैग, ये है ज़ूक का बैग, ये मैंने इतना यूज किया है, इतना यूज किया है कि ये थक गया है, बट मैं नहीं थकी हूं, मैं अभी भी इसे ही यूज करती हूँ क्योंकि ये काफी अच्छा, काफी मतलब मजबूत बैग है। ज़ूक के बैग्स काफी मजबूत होते हैं और क्लासी भी होते हैं, लाइक यहाँ पे आप देख लीजिए कितना क्लासी लुक दे रहा है, कितना अच्छा लुक दे रहा है, एंड बहुत अच्छी प्रिंट है, कलर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है, ये ब्राउन साथ में जो दे देते हैं ये बहुत सुंदर लगता है, मतलब आपके मोस्ट ऑफ दी आउटफिट्स के साथ ये मैच कर जाता है। देन उसके बाद इसके अंदर स्पेस भी काफी है, लाइक लुक एट दिस, काफी स्पेशियस है, इसमें कोई बीच में पॉकेट नहीं दिया गया,
बीच में एक ये ऐसा दोनों को डिवाइड करने वाला डिवाइडर टाइप दिया गया है ताकि दो स्पेस डिवाइड हो, पर चेन नहीं है कोई। देन इसके अंदर यहाँ पे दो पॉकेट्स दिए गए हैं एंड दो ऐसे स्मॉल पॉकेट्स दिए गए हैं जिसमें मैं मेरी परफ्यूम रखती हूँ, लाइक अभी भी रहेगी। ये जो ट्रेवल साइज परफ्यूम्स रहती है ये इसके अंदर प्रॉपरली फिट हो जाती है, लुक एट दिस। तो ये मैं मोस्टली इसी में रहने देती हूँ। इसका जो डिवाइडर है उसको ये अटैच करने का ये बैंड भी दिया गया है, तो आप इसे ऐसे अटैच करके डिवाइड करके चिपका सकते हैं, तो वो एक साइड में रहेगा। अगर आप एक दो दिन के लिए कहीं जा रहे हैं या अगर आप मम्मी के घर वगैरह जा रहे हैं, अगर आप किसी रिलेटिव्स के यहाँ पे जा रहे हैं, अगर आपके बच्चे वगैरह है तब आप इसे कैरी कर सकते हैं। ये बैग उसमें काफी स्पेशियस है, काफी चीजें आ जाती है एंड प्लस पॉइंट ये है कि ये इसकी जो मजबूती है वो काफी अच्छी है। मतलब आपको शोल्डर पे ये वजन नहीं फील करवाता। मुझे ये पर्सनली बैग बहुत पसंद है। मैं लैपटॉप मोस्टली कैरी करती हूँ और तब या फिर मैं मोस्टली जब भी फ्लाइट में गई हूँ मैंने यही बैग कैरी किया है। बस मैंने एक ही बार कश्मीर के टाइम वो बैग कैरी किया है, बट मोस्टली मैं अगर ट्रैवल कर रही हूँ तब मैंने यही बैग कैरी किया है, क्योंकि इसमें लैपटॉप रहता है, फोन रहता है, आईपैड रहता है, ये सारी चीजें रहती है, तब भी ये इतना वजन फील नहीं करवाता, काफी लाइट वेट लगता है। तो इसीलिए मुझे ये पसंद है बहुत। ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट और एब्सोल्यूट यूज्ड प्रोडक्ट है। मैंने इसे बहुत यूज किया है। इसके पास इसके और भी बैग्स है मेरे पास सेम ब्रांड के, बट ये वाला मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है, सो मैं ये शो कर रही हूँ। क्लच बैग है, ये मैंने रिसेंट में परचेस किया था। आई थिंक ये भी अमेजोन से, आई एम नॉट श्योर। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से मेंशन कर दूंगी। ये या तो अमेजोन से या तो मीशो से। तो ये कुछ इस तरीके का क्लच बैग है। ये काफी अच्छा प्रिटी है। पिंक कलर इसीलिए है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आउटफिट्स है पिंक कलर के, तो इसीलिए ये पिंक है। बट ये पर्पलिश पिंक है, नॉट एग्जैक्टली पिंक। तो ये आपको पर्पल भी दिखेगा और पिंक भी दिखेगा। वो कुछ उस तरीके का बैग है, सॉरी क्लच है। तो ये कुछ इस तरीके का है। लुक एट द फिनिश, बहुत ब्यूटीफुल फिनिश है। ये इस तरीके से इसको ओपन किया जाता है, ऐसे प्रेस करके इसे ओपन किया जाता है। ऑफ कोर्स अंदर मेरे कुछ सामान ऑलरेडी है। तो ये कुछ इस तरीके के बैग है, इस तरीके का क्लच है। इसके अंदर यहाँ पे एक पॉकेट है, सिंगल पॉकेट। इसके साथ ये चेन भी दी गई है जिसे मैं यूज नहीं करती। अगेन जो जिस तरीके का बना है वैसे ही अच्छा लगता है। आई डोंट नो, उसे स्लिंग की तरह मुझे तो नहीं अच्छा लगता। लोग पहनते होंगे तभी देते हैं। बट या ये चेन भी है जहाँ जो आप किसी और में भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इट्स इन गोल्डन कलर। एंड जो अंदर का अस्तर है वो फुल्ली प्रिंटेड है एंड बाहर से लुक भी बहुत अच्छा देता है, बहुत सुंदर लगता है। तो या दिस इज द नेक्स्ट वन। तो या विद दिस वी कम टू एंड 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 सारे जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एज यूजुअल। तो आप परचेस कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद आया वो परचेस कर सकते हैं इन केस यू लाइक इट। दैट वॉज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना। साथ ही साथ न्यू हूं मेरे चैनल पे तो वेट क्यों कर रहे हो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। मिलती हूँ अपने किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।